अचानक से मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया। वो चेक करें यार, तेज आंधी आ गई है भाई साहब, चेक करें। ओए होए यार फिजान, जल्दी कर, सभी पैक्स को बांध कर, अच्छे से कपड़े वगैरह करके, बारिश वगैरह शुरू हो जाएगी, है ना। क्या कर रहे हैं? मिट्टी एक मुंह पर जम गई है। जल्दी से जल्दी। ओए यार, ओए पकड़ पकड़ के बंद कर, बंद कर इसको, समेट दे, जल्दी कर, जल्दी कर। ओए होए, कबूतरों को भी सभी को बंद करना है यार। साइड पे देख लेते हैं दोस्तों, फिलहाल इन सबको मैं बंद कर लूँ। दोस्तों मैंने कबूतरों को पकड़ लिया, फिलहाल मौसम तो अचानक से काफ़ी ज़्यादा खराब है, कबूतरों को बंद करते हैं। चूज़ों को बंद करना है फिलहाल, मैं सोच रहा हूँ पहले इनको बंद करता हूँ फिर। कर दे बंद। कबूतरों को दोस्तों बांध कर दिया, लेकिन फिर मुझे इधर आ गया यार, इनका पेयर लग नहीं रहा आपस में। अच्छा ये दिखा, इनका जो है ना आपस में पेयर नहीं लग रहा, जो मेल कबूतर है ना फीमेल को मारता है, पता नहीं क्यों मारी जा रहा है। तो ये तरपाल फिर से सेट वगैरह करते हैं, फट गई है। कर दे, बिल्कुल दोस्तों बेकार हो गई है यार। अभी ये 2-3 माह ही गुजरे हैं, बेकार हो गया ना, इसको पाट दे, मैं कहता हूँ पाट दे इसको। हाँ दोस्तों, तपास सेट वगैरह कर दिया, उस साइड पे जो हमारे चूल्हे खुले हुए हैं ना, तो अभी फिलहाल खुले रहने देते हैं साइड पे जो है, तो क्योंकि अभी बारिश वगैरह जब तक नहीं आती तो मौसम इंजॉय कर लें, क्योंकि इस तरह बंद कर देंगे ना। अभी तक आज बारिश होगी काफ़ी भाई, खतरनाक मौसम हुआ। मौसम चेक करें दोस्तों, मौसम को इंजॉय करें। तो आपने और आपने बताना है आपके यहाँ मौसम किस तरह का है, तो आपने लाजमी बताना। फिलहाल कबूतर जो है ना हमारे इस साइड पर, हाँ चूज़े जो हैं इस साइड पर, अब मौसम को इंजॉय कर रहे हैं इंशाल्लाह से। अब कबूतरों के अंडे वगैरह दिए हुए हैं, वो दुआ करें ख़राब ना हो जाए। हमने सेटिंग वगैरह करनी है थोड़ी सी, बस इनको फिलहाल अभी हम छत के ऊपर ही हैं, तो अभी देखते हैं क्या करना है। दोस्तों हमारे जो छोटे बड़े चीक्स हैं ना, तो अब बारिश वगैरह, ओए वो एक बाहर निकल आया, इनमें से देखें माशाल्लाह से कितने कितने बड़े हो चुके हैं, जो छोटे वाले थे, तो जो छोटे वाले थे ना वो इतने माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं। अब इनको फिलहाल के लिए पकड़ता हूँ, बड़े वाले इनको मारते हैं, देखिए डर डर के कभी उस साइड पे भागेगा। फिलहाल इनको मैं मारता हूँ यार जो है ना यार, एक मसला है इधर देखें, यहाँ से थोड़ी सी ना जगह वगैरह है, यहाँ से पानी वगैरह जाता है ऊपर से, बारिश वगैरह होगी तो भाई साहब पानी जाएगा अंदर, तो यार मसला वगैरह बनेगा। अंदर है नाली, पानी जो नाली है ना वो पाइप जो है गटर के अंदर जाता है, तो अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, मिट्टी वगैरह डाली हुई है ना, तो अभी नाली ऊपर से बंद की हुई है ईंट वगैरह रख के, फिलहाल पानी का थोड़ा सा मसला वगैरह, तो इस साइड पे जो है ना मसला वगैरह कीचड़ बन जाता है। अब क्या करें फिजान बता, तू मैं क्या, मैंने कहा था ये खा ले तू, ये टॉफ़ी 10 मिनट का काम एक मिनट कर देता अभी ये टॉफ़ी खा रहा है, मुझे फ्रूट गाला टॉफ़ी होती है ना दोस्तों, वो कह रहा है एक 10 मिनट का काम एक सेकंड में खत्म, कैसे है 10 मिनट का काम एक 10 मिनट का काम एक मिनट में खत्म कर दें। अच्छा मुझे भी तो खिला यार, पहले बताना था मैं तुझे क्या, इसने जेब में डाल दिया, अभी तक जेब में डाली है, निकाल के खिलाएगा। चेक करवाई एक बार भाई, ये देख मैं अपने पैसे के लिए गया था, देखिए ना अभी मेरे से मुझे नहीं। आप फिलहाल मैं भी एक खाता हूँ, 10 मिनट का काम एक सेकंड में ख़त्म करते हैं, एक सेकंड में या एक मिनट में, एक मिनट में मुझे भूल जाता है यार, एक मिनट। फिलहाल दोस्तों ये चूज़ों का मैं जो है ना मिट्टी वगैरह डाली हुई है वही बता रहा हूँ, तो ये अब मुझे समझ नहीं लग रही, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी पेश आएगी, क्योंकि काफ़ी मसला बनेगा। अब बता तो सही क्या करना फिर, ओए अभी तक खाएगा तो फिर ही पता चलेगा इसका, ऐसे कैसे पता चलेगा, 10 मिनट का काम भाई, बारिश वगैरह होगी फिर पता चलेगा। ये जो है ना कबूतर फीमेल, ये दीवार के साथ खड़ी हुई पड़ी है बेचारी, वो ब्लैक वाला कबूतर काफ़ी ज़्यादा मारता है, वो देखें मारना शुरू हो गया, तो इनका पैर वगैरह लग नहीं रहा, अलहदा पानी करूँ मैंने, इनका पैर वगैरह लगाना है इस वजह से। फिलहाल एक पूरा बाहर निकल आया था, उसको पकड़ता हूँ, इसे पकड़ता हूँ, वही चला जा रहा, चलो भाई जाओ अंदर जाओ। तो फिलहाल इस चूल्हे को अंदर छोड़ दिया, और एक जो मसला बन रहा है ना, जो धूप तेज़ हवा चल रही है ना, तो ये भाई साहब हिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो ये नीचे गिर भी सकता है, काफ़ी ज़्यादा मसला वगैरह बनेगा, ये हमने देखे जुगाड़ वगैरह करके,
ऊपर से किस तरह से हल्का फुल्का बांधा हुआ है। ये अगर छत हमारी गिर गई ना तो ऊपर हमने काफ़ी वजनी चीज़ें रखी हुई हैं, बाले वगैरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, ताकि ये ऊपर से वजन वगैरह डाला हुआ है ताकि ये उड़ ना जाए उड़े ना, और नीचे ही गिरेगा आंधी जब आती है ना आपको पता काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है। ये भाई साहब ये मुँह उठा के इस तरह खड़ा रहता है, मैंने इसे पहले पहले कहा भी था जब गिरेगा ना ये कहता कुछ नहीं होगा भाई। हाँ बताओ फिर क्या करना है। मैं कह रहा था एक ट्राली हम मिट्टी की मंगवा लेते हैं, इधर मिट्टी की ट्राली लपाई करवा देते हैं, लपाई ऊपर भाई खर्चा होगा। पैसे निकाल जेब से, पैसे निकाल अभी तू थोड़ अभी तेरे को टाफी नहीं दी मैंने, अभी टाफी मुझे नहीं दे रहा था, समझ सकते हैं फिर आप खुद ही बात समझ आ गई होगी आपको, बताने की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल इस साइड पे जो है ना, हाँ क्या कह रहा है, इंजॉय द मौसम बहुत खुश। तू एक चार पाई बाहर निकाल, तू इधर लेट जा, पार्क चल दूंगा। पार्क पार्क किया होता है बच्चों वाले पार्क में जाना है, इसमें ये पार्क चले जाता है, हम घर बैठ के टिक्के बना के खाते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं। फिर शहर पे तो सबको बंद कर दिया, इस साइड पे जो है ना चूजे वगैरह थे उनको बंद कर दिया, हल्की फुल्की जो है ना बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। फिलहाल अभी हम छत के ऊपर ही हैं, रैबिट्स वगैरह बंद करने और कुछ चूजे जो है ना बंद करने वाले रह गए हैं, और बस यही इस बात का डर है कि अंदर पानी जाएगा, और सब कुछ हमने रिकवर कर लिया, बाकी सब कुछ को इधर लेट जाए है ना, आज मज़ा ही आ जाएगा कसम से, मज़ा आ रहा है। अल्लाह अल्लाह की रहमत बरस रही है भाई साहब, मौसम लेवल किस्म का हो गया, शुक्र है बारिश हुई तो, लेकिन फिलहाल काफ़ी भाइयों की जो है ना सब फसल वगैरह ख़राब हो जाएगी, तेज़ ना हो बस क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर होगा उसी तरह से होगा। फिलहाल मोबाइल जो है ना बारिश की वजह से ख़राब हो सकता है, अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, आपको नज़र आ रही है कि नहीं, फिलहाल बहुत कम है, ये देखें आपको ये देखें इधर चेक करा, इधर 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 क्या वाइट यार सूट है तो किस तरह से पता चलेगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो आपने लाजमी बताना है। तो दोस्तों फिलहाल आप मौसम कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करना है, फिलहाल को कहना कि जो टॉफियां लेके आए तो मुझे भी खिलाया करे क्योंकि ये अकेले अकेले खा जाता है, और कल जो हमने काम करना है वो आपको पहले बता देता हूँ, कल परसों दो तीन दिन लग ही जाएंगे, तो वैक्सीन वगैरह करनी है क्योंकि चूज़ों के मौसम वगैरह चेंज वगैरह हो रहा है, इस वजह से आप वैक्सीनेशन करते हैं सभी चूज़ों को, क्योंकि हमारी चूज़े हैं ना मच्छर आ गए यहाँ से लगे आगे चूज़े हमारे सभी चूज़े एक्टिव है माशाल्लाह से, ये सभी ठीक हैं बिल्कुल, जो अगर अगर जो चूज़ा बीमार होता है ना, अभी आपको थोड़ी देर बता ही देता हूँ, जो चूज़ा एक थोड़ा हल्का फुल्का बीमार हो उसको वैक्सीन नहीं करनी जब तक वो प्रॉपर सभी चूज़े ठीक ना हो, अटैक वायरस का अटैक ना हो आपके जो है ना सेटअप पे, अगर सेटअप पे वायरस का अटैक हो गया ना तो एक किस्म का सारे ही मर जाने, एक रात में भाई साहब 10-10 मुर्गियाँ 10-10 चूज़े मर जाते हैं, तो फिलहाल पहले से अपने से एहतियाती तदाबीर कर लेते हैं, अल्लाह ताला के हाथ में है तो नसीब में अगर हमारे चूज़े होंगे तो बच जाएंगे, लेकिन फिलहाल जल्दी से जो वैक्सीन वगैरह करनी है वो जल्दी से जल्दी कर लेते हैं क्योंकि मौसम अचानक से चेंज हो रहा है, एक चूज़ा हमारा जो है उसको नज़ला हो गया, फिलहाल माशाल्लाह से सभी ठीक है, हल्का फुल्का नज़ला हुआ है, वो खाना पीना भी छोड़ गया, तो इंशाल्लाह से वो ठीक हो जाएगा, तो बस आपने दुआ करनी है मौसम ज़्यादा ख़राब भी ना हो और ज़्यादा गर्म भी ना हो क्योंकि हमारे चूज़े बीमार होते हैं, और साथ साथ जो जो काम हो गए वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। फिलहाल बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बस अपना अपना प्यार दिखाना, दुआओं में याद रखना है दोस्तों, दुआओं में याद रखना, और अल्लाह हाफिज़।